अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपको एक वॉकिंग टूर करवाने वाला हूँ मेरे बच्चों की स्कूल की। और यहाँ पे स्कूल कैसी होती है, स्कूल का सिस्टम कैसा है, क्या क्या पढ़ाई होती, क्या क्या सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये जो है यहाँ पे केयरफोर है, और ये जो जस्ट केयरफोर के बाजू में स्कूल है। तो यहाँ पे इस तरह के ग्रोसरी शॉप्स बहुत सारे हैं, सुपरमार्केट आप कह सकते हैं, जहाँ से आप पूरे महीने का जो है राशन वगैरह भर सकते हैं, इस काइंड ऑफ फूड स्टॉप। ये दूसरी आउटलेट है बीम, ये भी उसी तरीके की है सेम। ये जो स्कूल है ये छोटे बच्चों की है, फर्स्ट स्टैंडर्ड ऐसा, जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ते हैं ये स्कूल। यहाँ का एडमिशन का सिस्टम ऐसा है कि बच्चे जब 5 ईयर्स कंप्लीट करते हैं तो इनको फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन मिलता है। ये बच्चे लोग का प्लेइंग एरिया है, यहाँ पे लोग खेल सकते हैं, रिसेस में जब भी उनको ब्रेक मिलता है तब खेल सकते हैं। और ये है मेरे बच्चों की स्कूल जिसका नाम है इमाम हातिब, ये फिंदकली में है और बहुत अच्छी स्कूल है। यहाँ पे बच्चों के लिए सब्जेक्ट है, मेरे बच्चे एक 5th में है, एक 6th में है, जो पास एंड प्रोमोटेड हो गए हैं अभी 6th एंड 7th में, उनको प्रोमोट हो चुके हैं। तो अभी स्कूल के लास्ट डेज है, तो हॉलीडेज के लिए तो इनकी समर वैकेशन चालू हो जाएगी। तो सब्जेक्ट्स यहाँ पे मैं बता रहा था, सब्जेक्ट है जैसा कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, फिर कुरान जो मदरसा बोलते हैं हमारे यहाँ मदरसे में पढ़ाते हैं कुरान, कुरान की तिलावत, कुरान पढ़ना सीखना, वो एक सब्जेक्ट है।
फिर एक अरबी सब्जेक्ट है जो कि गल्फ़ वगैरह में जो अरबी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो है, ये है इमाम हातिब स्कूल और ये इसका एंट्रेंस है। ये बच्चों का प्लेग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे यहाँ खेल सकते हैं उनकी रिसेस में जब ब्रेक मिलता है उनको। और ये है स्कूल का एंट्रेंस जो कि बच्चे अभी फिनिश करेंगे उनका, जैसा ही पीरियड ख़त्म हो जाता है तो बच्चे यहीं से बाहर आते हैं। अभी थोड़ा टाइम है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जी, मैं फिर से सब्जेक्ट पे आता हूँ। सब्जेक्ट में कुरान है, एक अरबी सब्जेक्ट है जो कि गल्फ़ में बोली जाती है अरबी, और यहाँ पे अरबचा बोलते हैं जिसको, और इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, कुरान है, और तुर्किश एक सब्जेक्ट है, तुर्की लैंग्वेज में जो है वो, और इसके अलावा बाकी जो अदर सब्जेक्ट है सोशल साइंस मैथमेटिक्स और जो भी अदर सब्जेक्ट है वो सब तुर्किश लैंग्वेज में ही होते हैं। ये दे सकते हैं, ये स्कूल है, बहुत बड़ी स्कूल है, इमाम हातिब, बहुत फेमस स्कूल है यहाँ की। हाय इमाद, हेलो बेटा, कैसा लग रहा है तुम्हें अभी? हाँ, और हाउ वाज योर डे? नाइस, बहुत मजा आई। क्या करे आज तुम लोग पूरा दिन, बताओ मेरे व्यूअर्स को। पीसी पे ब्रेन गेम खेले। ब्रेन गेम क्या होता है? बहुत मजा आई। अच्छा, तो और क्या पढ़ा है आज? और आज हम लोग ने पढ़े सोशल स्टडीज, यहाँ के लोग सोशल ब्रेन गेम कहते हैं। सोशल? हाँ, वो क्या होता है? सोशल स्टडीज हिस्ट्री टाइप का एक होता है सोशल स्टडीज। अच्छा, बहुत अच्छी स्कूल है, बहुत मज़ा आ रहा है, सब बहुत अच्छा। और प्लेइंग एक्टिविटी कुछ नहीं थी? गेम एक्टिविटी बीच में जब क्लास एंड होती है उसके बीच में ब्रेक मिलता है उसमें जाके खेल सकते हैं। कैसा, इजी लग रहा है, सीख रहे हो अच्छे से? बहुत इजी लग रहा है। तुर्किश आ गई? हाँ, तुर्किश तो सीख गए हैं। आ गई? हाँ, आ गई है। कुछ बोल के बताएंगे आप तुर्किश में? अच्छा, सन नसल सन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता ये है कि आप कैसे हो। अच्छा, तो अगर मुझे जवाब देना है मैं ठीक हूँ तो क्या बोलना रहेगा? बेन ईब तशक्कुरे दे रहे। हाँ, ओके ओके, चले घर चले। हाँ चले, बहुत मजा आ रहा है। ओके, एक तो दिन भी बहुत अच्छा था आज, शाइनी शाइनी डे। हाँ, तो इधर चलते हैं। और ये बिल्डिंग तो बहुत पसंद है। ये बिल्डिंग ना? हाँ, ये बिल्डिंग आपकी स्कूल से भी दिखती है ना? हाँ, ये रोड स्ट्रेट, आप बड़े हो जाओगे तो यूनिवर्सिटी बन रही ना, यहाँ पे जाएगा। हाँ, ये रोड है ना, आप लोगों को फिर यहाँ आना पड़ेगा। हाँ, मैं जाऊँगा। वेरी गुड।